चाइना एक डेवलप कंट्री है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपने आप को दुनिया में अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले कुछ समय से चाइना ने सब देशों को पीछे छोड़ दिया है। हाल के समय की बात करें तो चाइना दुनिया से कई साल एडवांस चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम चाइना से जुड़े कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे। चाइना के कुछ काम तो ऐसे हैं दोस्तों जो दुनिया आने वाले 10 से 15 साल में भी नहीं कर सकती। रेल के मामले में चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बना दिया है। साधारण ट्रेनों को चाइना ने अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। मेट्रो ट्रेनों को चाइना ने पूरी दुनिया से अलग बनाकर सबको चौंका दिया है। चाइना की मेट्रो इतनी आधुनिक है कि आप इन्हें एडवांस लेवल की कह सकते हैं। जहां दुनिया में बहुत सारे देशों के लिए बुलेट ट्रेन एक सपना है, वहीं चाइना में बुलेट ट्रेन नॉर्मल सी बात हो गई है, क्योंकि चाइना ने बुलेट ट्रेन को भी लगभग सभी बड़े शहरों से जोड़ दिया है। फ्लाईओवर, ब्रिज, रोड, हाईवे पर भी चाइना ने लगभग पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। चाइना के रोड और हाईवे इतने आधुनिक हैं कि इनमें कोई नया ड्राइवर अगर रास्ता भटक जाए तो वहाँ पर गूगल मैप भी शायद अपना काम नहीं कर पाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाइना में इतनी है कि शायद दूसरे देशों में नहीं है। चाइना ने अपने छोटे शहर को बड़ा बनाने पर भी पूरा जोर दे रखा है। एक साल में लगभग 10 से 15 बड़े शहर बनाने का लक्ष्य चाइना ने निर्धारित कर रखा है। इन शहरों में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें होंगी। कंस्ट्रक्शन को भी चाइना ने इतना आधुनिक बनाया है कि वहां पर आप मॉल, दुकानें 10 से 15 दिन में रेडीमेड बनवा सकते हो। टूरिस्ट के मामले में चाइना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। चाइना ने बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस भी बनाए हैं जो पूरी दुनिया से अलग हैं। प्रकृति को भी चाइना ने टूरिस्ट पैलेस बना दिया है। चाइना में बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस ऐसे हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं और रोमांचित कर देने वाले भी हैं। बुद्ध हैंड, ग्लास ब्रिज, वॉल ऑफ चाइना जैसे टूरिस्ट पैलेस ऐसे हैं जहां पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते रहते हैं। इतना विकास और इतना विकसित होने के बाद भी चाइना में बहुत ज़्यादा गरीबी है। बहुत सारे लोग इस विकास तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।